अल्लाम नाजरन प्रोग्राम टैक्सराम के साथ मैं हफजली यूबी नाजर आज का जो हमारा टॉपिक है वह है बजट और मुआर अदाफ़ टैक्स टारगेट किस तरह पूरे होंगे हुकूमत क्या हमत अपनाएगी और एफ बी आर क्या करेगा टैक्स दहंदगान की हमत क्या होगी क्योंकि इस दफ़ा इनकम टैक्स गोशवारा भी यकम जुलाई को आ चुका है और तीस सितम्बर के बाद डेट आगे जाएगी या नहीं जाएगी इस पर आज गुफ्तु करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मियाँ रजाउर रहमान साहब आप सदर हैं सर्विंग स्कूल एसोसिएशन के और कन्वीनर हैं लाहौर चैंबर ऑफ कॉमर्स के स्टैंडिंग कमेटी फॉर एजुकेशन अफेयर्स के उनके साथ मौजूद हैं उमर इकबाल ख्वाजा साहब आप सीनियर एडवोकेट हैं माहिर टैक्स समूर हैं उनके साथ मौजूद हैं आशा के लिए राना साहब आप सबक नायब सदर हैं लाहौर टैक्स बार के नाजरी से पहले कि मैं अपनी गुफ्तु आगाज करूँ माहरीन सवाल से क्या कहते हैं राय जानते हैं सबसे पहली जो तब्दीली वो प्रॉफिट एंड डेट के हवाले से एक अगर आपका प्रॉफिट एंड डेट पाँच मिलियन से ज़्यादा होगा तो आप पे नॉर्मल इनकम टैक्स लगेगा बैंक से भी तो होल्डिंग होनी है प्रॉफिट के पंद्रह परसेंट की और आपको पचास जो है लाख रुपये से ज़्यादा जो प्रॉफिट एंड डेट है उसके ऊपर नॉर्मल इनकम टैक्स जो कि पैंतीस परसेंट तक भी होगा हो सकता है वो आपको अदा करना पड़ेगा जो प्रॉपर्टी इनकम है उसको भी नॉर्मल में शिफ्ट कर दिया गया नॉर्मल इनकम के अंदर उसका सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम ख़त्म कर दिया गया है प्रॉपर्टी के अंदर भी अगर आपकी प्रॉपर्टी इनकम जो है वो पचास लाख लाख रुपये सालाना से ज़्यादा होगी तो आपको नॉर्मल में पैंतीस तक इनकम टैक्स अदा करना पड़ सकता है कम होगी तो उसकी मुख्त रेशियोज़ वो हैं जो चेक की जा सकती हैं आई टी सर्विसज़ के हवाले से एक नुमाया चेंज आई है एक बहुत बड़ा रेवन्यू है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का जो बाहर से आई टी सर्विसज़ के रिलेटेड रेवेन्यू बाहर से इकट्ठा होता है तो उसको एग्जाम्शन को ख़त्म करके सेक्शन 65 एफ इंसर्ट किया गया है जिसके तहत अगर वो 80 परसेंट जो सर्विस प्रोवाइडर है 80 परसेंट अपनी पेमेंट बाहर से वापस लाएं अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें विद होल्डिंग स्टेटमेंट फाइल करें सेल टैक्स रिटर्न फाइल करें जहां पे एप्लीकेबल है तो उनको हंड्रेड परसेंट टैक्स क्रेडिट दिया जाएगा और वगरना उनको अपनी जो है सेक्शन वन फफ़्टी फ़ोर ए जो वो भी नया इंसर्ट हुआ है उसके तहत वन परसेंट इनकम टैक्स बैंक उनके ऊपर विद होल्डिंग करेगा अगर उन्होंने शराय पूरी ना की तो उनकी नॉर्मल की रिटर्न जाएगी अगर शरात पूरी करेंगे तो फाइनल की रिटर्न जाएगी और अगर वो कमिश्नर से पहले अपना एग्जामेशन सर्टिफिकेट हासिल कर लें वन फिफ्टी नाइन सेक्शन में तो वन फिफ्टी फ़ोर ए की जो विद होल्डिंग है उससे वो मुस्तना भी हो सकते हैं तो इनको चाहिए कि ये थोड़ा सा सिस्टम को चेंज करें कोई पॉलिसी चेंज करेंगे फिर जाके ये टैक्स नेट में इंक्रीज आएगी और ये इनका मामला ठीक होगा एक और बात जो इन्होंने इरिगेशन डिपार्टमेंट में टैक्स कम किए हैं उसके बाद तो जो दूसरे सेक्टर्स हैं जैसे हॉस्पिटल हो गया कि अगर आपका 200 बेड से ऊपर आपका हॉस्पिटल है तो आपका 16 परसेंट की जगह फाइव परसेंट टैक्स लगेगा आपको वो भी एक अच्छा अमल है कि जिससे मुल्क में जो है ना वो जो है ना इलाज के दवाइयाँ जो सस्ती करने की तरफ आए हैं ठीक है और इसके अंदर जब मज़ीद देखा जाएगा तो ये आखिरी बात यही है कि पॉलिसी चेंज करेंगे तो टैक्स इंक्रीज़ होगा पॉलिसी चेंज नहीं करेंगे तो ये टैक्स इंक्रीज़ नहीं हो सकता मैं रजा साहब आप एजुकेशन का बड़ा तजर्बा रखते हैं हर माशाल्लाह बहुत से टीवी चैनल्स पर एक्टिव हैं आज जो हमारा टैक्स निज़ाम है तो आपके स्कूल स्कूलों पर भी टैक्स लगता है और किन किन स्कूलों पर टैक्स लगता है और कौन कौन सा टैक्स लगता है लेकिन स्कूलों पर वो सारे टैक्स लगते हैं जो किसी भी कमर्शल अदारे के ऊपर लगते हैं चाहे वो ट्रेड का है चाहे वो कोई भी कमर्शल इधारा है वो सारे टैक्स स्कूल भी दे रहा है इनकम टैक्स भी दे रहा है विद होल्डिंग टैक्स भी दे रहा है और इसकी मद में एस सी के जितने भी टैक्सेस हैं वो स्कूल्स के ऊपर भी सेम एस सी वाले लॉज मौजूद हैं उसके मुताबिक वो टैक्स देते हैं जो भी कंपनी एक्ट में आ जाएगा वो कंपनी एक्ट के सारे टैक्सेस पे करता है ठीक है यानी कि जो टैक्स एस भी आपसे वसूल करता है और एफ भी जी दोनों करते हैं बिल्कुल ऐसे जैसे आम कंपनीज़ के ऊपर टैक्स लगते हैं इसी तरह स्कूल भी एक किसी कंपनी के किसी फर्म के अंडर चलती है जो, और जो फर्म के और कंपनी के रूल्स हैं वो के भी अपलाई कमर्शलाइजेशन तो तो है जो टैक्स की आपकी शराब उसकी शरा क्या है कमर्शलाइजेशन जो है ये तो आ जाता है एल का एक इशू या डेवलपमेंट अथॉरिटीज ऑफ डिफरेंट शहरों में डिस्ट्रिक्ट्स में हैं वो इसको करती हैं है। वो भी सेम वैसे ही है जैसे आम कमर्शलाइजेशन होती है स्कूलों को उसमें सिर्फ ये रिलीफ है कि वो फिफ्टी परसेंट पे करते हैं उसका ठीक है। जैसे आम अदारा है वो अगर उसका सौ रुपये अदा कर रहा है तो स्कूल उसके पचास रुपये अदा करता है लेकिन कमर्शलाइजेशन टैक्स हैं बहुत ज़्यादा वो जो आम स्कूल हैं जो कम फ़ी वाले स्कूल हैं उनके साथ भी वो उतनी ही सेम फीस है और जो बहुत बड़े स्कूल हैं जिनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है पाँच हज़ार से ज़्यादा है पच्चीस हज़ार है बीस हज़ार है उनके लिए भी रेशो सेम है ठीक तो है। वो मेरा ख्याल है कि छोटे स्कूलों के लिए मजीद काम होनी चाहिए वो बहुत ज़्यादा है उसकी वजह से उसका सारा असर जो है वो बच्चों की फ़ीस के ऊपर पड़ता है और थीक थीक बच्चों है। की फ़ीस ही बढ़ती है छोटे स्कूलों में भी अच्छा मियाँ साहब ये कौन कौन से इदारे हैं जो एजुकेशन जो डिपार्टमेंट बनाता है अपना एजुकेशन का इदारा बनाता है कौन कौन से इदारे हैं जो आप को जा कवर करते हैं जिसमें एस एस सी पी बताया आपने एफ बी आर बताया सोशल सिक्योरिटी सिक्योरिटी है ये सारे आप बिल्कुल हैं जी सोशल सिक्योरिटी भी है बाकायदगी से हम देते हैं यू बी आई भी है सब टीचर्स को रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है और इसके अलावा प्रोफेशनल टैक्स का अदारा है वो भी अपना सालाना टैक्स लेता है, है। इस तरह जो एक कॉरपोरेशन का एक अदारा होता है वो ट्रेड टैक्स भी लेता है वो ट्रेड टैक्स भी स्कूल के ऊपर लागू होता है इस तरह के और जितने भी टैक्सेज हैं तकरीबन सारे टैक्सेस आपको देने पड़ते हैं यानी कि तमाम टैक्सेस अदा करने के बावजूद भी हुकूमत फिर आपसे रिलीफ क्या मांगती है आप फीसें कम करें ये करें वो करें फिर क्या ये क्या वजह फिर एक्चुअली वो जो कि चूँकि सारे टैक्स लिए जा रहे हैं फिर आप किस तरह कह सकते हैं आप फीसें कम करें वो करें असूली तौर पे तो वो नहीं कह सकते लेकिन जब उन्होंने कहा उस वक्त एक ऐसी स्टेट चल रही थी कि लोग बाकी लोग भी परेशान थे चाहे वालदेन थे चाहे कोई और थे तो मेरा ख्याल है कि जो बड़े स्कूल हैं उनके पास क्वेश्चन था कि उन्हें डिस्काउंट दिया दे दिया जाता लेकिन छोटे स्कूल के पास नहीं था लेकिन फिर भी तमाम स्कूलों ने वो उस वक्त दिया डिस्काउंट लेकिन मेरा ख्याल है कि वो बड़े स्कूलों के लिए फ़र्दर कैरी ऑन रहना चाहिए था क्योंकि उनके बहुत सारे एक्सपेंसिस बच रहे थे उनका स्टाफ बच रहा था तो वो जो वो स्कूल जो पाँच हज़ार से ज्यादा फी ले रहे थे उनके ऊपर उसको जारी रहने देना चाहिए जो यकसा निज़ाम तालीम जो हुकूमत ला रही है उससे फिर क्या असरात मरतब होंगे अब यकसा निसाब तलीम जो है ये एक अच्छा इनिशिएटिव है इमरान खान साहब का बहुत अच्छा विजन था कि एक जैसा निसाब होना चाहिए लेकिन अभी तक की तो सूरत हाल ये है कि सिंध इससे इंकारी है पंजाब इसको और तरह से पेश करना चाहता है और उम्मीद ये है कि बेहतरी आएगी लेकिन उम्मीदें बाहर रख कदम उठाए चल वो तो है चल ही रहे हैं हम लेकिन है। जो अभी तक की तरीक़ाकार है इम्प्लीमेंटेशन का वो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा फ्लॉस डेवलप करेगा और इमरान खान साहब का जो विजन है उसको ख़राब करने की या उसको ठेस पहुँचाने की भरपूर कोशिश की जा रही है पंजाब की तरफ से और पंजाब करिकुल एंड टेक्स बुक बोर्ड इसमें बहुत आगे आगे हैं ठीक इसमें अगर डबल टैक्सेशन तो नहीं होती जो बच्चों को जो एक टैक्स भी अदा करता है हुकूमत को वाक को भी टैक्स देता है और स्कूल के बच्चों में भी टैक्स देता है वो डबल टैक्सेशन तो नहीं है इसमें कोई देखिए इसमें यहाँ पे मेरे उस्ताद ही हैं जो टैक्स के माहरीन बैठे हुए हैं वो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जब भी कोई कोई भी बंदा जब कोई पैसे कमाता है अर्न करता है या टेक होम लेके जाता है तो उसमें तकरीबन तीस फ़ीसद वो गवर्नमेंट को टैक्स दे देता है इनडायरेक्ट टैक्सेस की फॉर्म में ठीक है और जब गवर्नमेंट वो इनडायरेक्ट टैक्सेस की फॉर्म में तीस फीसद टैक्स ले लेती है तो वो बेसिकली चार चीज़ों के लिए लेती है आपकी सिक्योरिटी के लिए हेल्थ के लिए एजुकेशन के लिए ट्रांसपोर्ट के लिए ठीक है जब आपने हेल्थ के लिए एजुकेशन के लिए आपने ऑलरेडी उस पेरेंट्स से या उस शख्स से पैसे काट लिए हैं तो उसके बाद जब उसको अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना पड़ता है और दोबारा फ़ीस देनी पड़ती है तो मैं समझता हूँ कि ये डबल टैक्सेशन है अच्छा ये यकसा निज़ाम तलीम जब अगर आ गया तो प्राइवेट जो स्कूल्स हैं उन पर असरात नहीं मरतब होंगे वो भी सिलेबस सरकार पढ़ाएगी में पढ़ाएगी और प्राइवेट में पढ़ाए जाएंगे नहीं इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा एक्चुअली जो यकसा निसा तलीम आया वो प्राइवेट स्कूल के लिए इसलिए इतना आसान है क्योंकि ऑलरेडी वो इसके ऊपर काम काम कर रहे हैं वो नाइनटी परसेंट यही काम करवा रहे हैं इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा गवर्नमेंट स्कूल्स को उनके बच्चों को और ख़ास करके जो बच्चे मदारस में पढ़ रहे हैं जैसा कर... मैं दोबारा आपकी तरफ आऊँगा करोना में क्या आपको हुकूत ने रिलीफ दिया क्योंकि आप तमाम टैक्सेस अदा करते हैं और टैक्स इंतजाम में किस बेहतरी लाई जा सकती है बाद में आपसे दोबारा गुफ्तू करूँगा उमर इकबाल ख्वाजा साहब हमारे जो इस दफ़ा को जो टॉपिक है मुआशी अहदाफ वो क्या हैं और किस तरह पूरे होंगे देखिए माशी अहदाफ की हम तारीफ़ कर लें कि क्या मतलब हमने एक्सपोर्ट के कुछ टारगेट्स रखे हैं इम्पोर्ट्स के ऊपर रखे हैं और जी ग्रोथ के कुछ टारगेट्स सेट किए हैं हमने उनको अचीव करना है सिमिलरली हमने ये टैक्स की कलेक्शन के भी रखे हुए हैं टारगेट उनको इन सब को अगर कलेक्टिवली देखा जाए तो आप इसको माशी अदाफ में लाते हैं अब गुजारिश ये है कि पाकिस्तान की हकूमत तो बहुत कोशिश कर रही है इस वक्त हुकूमत बरामदात बढ़ाने के लिए बड़े अच्छे पैकेजेस दे रही है उनको सस्ते कर्जे दे रही है उनको बिजली के बिलों में एक्सपोर्ट एक और को रिलीफ दिया जा रहा है ये तो एक हुकूमत का काम होता है एक माहौल पैदा करना और एक साजगार माहौल प्रोवाइड करना बाकी तो प्राइवेट सेक्टर के लोगों का काम है कि वो मेहनत करके उन अदाफ को मीटअप करते हैं अभी हैं। तक एक्सपोर्ट रिलेटेड तो बहुत ज़्यादा हौसला अफजा हमारी हुकूमत का रवैया जो है अलबतः ये जो इम्पोर्ट्स के ऊपर हम चूँकि पाकिस्तान के पास डॉलर की प्रॉब्लम रहती है फ़ॉर एक्सचेंज रिजर्व की उसको हम डिस्करेज करते हैं हाँ उससे ये डिस्करेज होने से एक तरफ डॉलर का रेट तो स्टेबल रहता है लेकिन दूसरी तरफ आपके टैक्स की कलेक्शन में कमी वाकई हो जाती है, है। ये इंपॉर्टेंट है कि इसको कैसे हम बैलेंस आउट किया जाए अभी जो हुकूमत ने टैक्स का कलेक्शन का टारगेट रखा हुआ है वो काफ़ी हाई है मैं समझता तो हूँ कि इसको पचपन सौ अरब से ऊपर होना नहीं चाहिए था पहली बात और लग नहीं रहा कि आ, ये अठावन सौ पचास अरब का ये मुआशाफ हम हुकूमत तो रखती है बनाती है ख्वाजा पॉलिसी भी से ताल्लुक रखती है उससे भी कोई असरात इस पर मुरतब होती सर देखिए आपके खत्े के माहौल ने तो आपको बड़ा उसे माहौल से नुकसान पहुंचता है या फ़ायदा है अभी जैसे अगर अफगानिस्तान में वार चल रही है खाना जंगी का शिकार हो रहा है उधर से माजरीन का इन्फ्लक्स होता है पाकिस्तान के ऊपर तो पाकिस्तान की मश्यत तो वो इन्फ्लक्स नहीं सार सकती हमारे पास तो पहले उनके लिए को, पहले ही हम तीस लाख के करीब माजरन की मेज़बानी करते करते हमारे मुल्क में बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं मज़ीद अभी हम इसका मुतमिल नहीं है उसके लिए तो पाकिस्तान को कुछ सोचना और शायद हुकूमत पाकिस्तान सोच भी रही है कि हम सरहद ना खोले बल्कि क्लोज डाउन कर दें अल्लाह करे कि अफगानिस्तान खाना जंगी का शिकार ना हो कोई संस देर लेकिन अभी तक जो सूरत नजर आ रही है वहाँ पर लड़ाई जारी है और उसके अंदर मज़ीद शिदत भी आने नहीं नहीं वाली है ये कोरोना का एक चौथा फेज भी आ गया डेल्टा भारत से वायरस फैलना शुरू हो गया अब जो मुआश इससे भी मुतासर होंगे क्योंकि पहले तो अब एक हमारी समत दुरुस्त होने जा रही थी फिर दोबारा वो लॉकडाउन की तरफ हुकूत देखिए ये, ये, ये जो कोरोना से मैशत बड़ी शदीद मुतासर होती है ख़ासतौर पर जो दरमिया तबके का कारोबार है जैसे रेस्टोरेंट्स हैं इवन ये प्राइवेट स्कूल्स हैं जो दरमिया तबके के हैं या वो तो बिल्कुल स्क्वीज होकर रह जाते हैं हमारे मुझे काफ़ी सारे ऐसे रेस्टोरेंट्स का पता है जो पिछले साल में बंद हुए हैं इवन स्कूल प्राइवेट स्कूल बहुत बंद हुए जो किराए की बिल्डिंग्स में है एक पूरा सिस्टम है एक पूरा सर्कल है लेकिन ये मुझे नहीं लगता कि ये पाकिस्तान को चाहिए कि डेल्टा वेरिएंट के ऊपर भी लो स्मार्ट लॉकडाउन के थ्रू काम किया जाए और मीशत को ना रोका जाए अगर मैं पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता है लॉकडाउन को इसमें अवाम को भी बहुत बड़ा कसूर है वो गो गो नहीं करते। पे अमल दराम करता वो तो कहते हैं ही नहीं है क्योंकि आप टैक्स बार से ताल्लुक आपका रहा है टैक्स बार जो टैक्स टारगेट हैं एफ को पूरा करवाती हैं क्योंकि मैंने किसी खास शख्सियत से सुना है अगर टैक्स बार साथ मिल जाए तो हमारे जो टारगेट हैं वो पूरे हो सकते हैं लेकिन इस दफ़ा जो पाँच हज़ार आठ सौ उनतीस अरब का जो टारगेट है आप क्या समझते हैं अब यार पूरा कर पाएगी अगर पूरा कर पाएगी तो क्या हिमत अपनाएगी जी शुक्रिया साहब मैं ख्वासा की बात को सेकेंड करूँगा कि इस दफ़ा टारगेट उन्होंने बहुत ज़्यादा रखा हुआ है पचपन सौ अरब बड़ा बड़ा बॉर्डर लाइन टारगेट था तो मैं समझता तो हूँ इस टारगेट को अचीव करने के लिए हुत को बहुत टफ टाइम मिलेगा इन हालात में जहाँ पे हमारे हिते की जो सूरत आलमरी कशीदा है दूसरा डेल्टा जो एक चौथी लहर आ चुकी है कोरोना की शक्ल में वो एक मान ली बड़ी प्रॉब्लम का जरिया बन सकती है क्योंकि हमारे सारे पड़ोसी मुल्क में आपने देखा कितनी कैजुअलिटीज़ हुई हैं इस 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 वायरस पे तो इसके अलावा बिजनेस एक्टिविटी तो चल रही है ना अब तो रात दस बजे तक सब के कारोबार खुले होंगे सुबह से सब कोई तो नहीं उसमें ये बिज़नेस एक्टिविटीज़ तो अभी चली है ना आगे जो हमारा टारगेट अचीव करना हम चाह रहे हैं हमारा जो एफ बी आर है उसका भी माइंड नहीं है कि एम्ब्रॉयडरी और टैक्स बेस की तरफ जाएँ हमारा जो सारा टारगेट का जोर होगा वो उन्हीं को स्क्वीज़ करेंगे जो ऑलरेडी टैक्स पेयर्स हैं जो टैक्स नेट में है हमें अपनी ऐसी पॉलिसीज बनानी चाहिए अगर हमें अपना टारगेट अचीव करना है जिससे हम नए टैक्स पेयर्स को नेट में लेकर आए अच्छा ये जो बजट अब आया है इसमें आपको कोई ऐसी पॉलिसी नज़र आई है जो हुकूमत ने कोई आवाम के ऊपर को बम गिराया हो कोई आइटम बम गिराया हो लेकिन यकम जुलाई को पेट्रोल की कीमतें ज़रूर बढ़ी मनी बजट का सूरत में वो तो हुआ है लेकिन बजट में क्या हुआ है जी देखिए जी बजट में जो हुआ है वो एक ल, जो फिगर्स का हेरफेर है आम बंदे को तब मिलता है जब उसको रोटी सस्ती मिले उसको बिजली सस्ती मिले उसे पेट्रोल सस्ता मिले उसको जरूरिया जो अशियाँ हैं वो सस्ती मिले डायरेक्ट टैक्सेस कम होंगे तो वो तो आम आदमी को रिलीफ मिलेगा ना तो वो तो उस तरफ हम जा ही नहीं रहे ना अभी हमने तो टैक्स को भरा ही नहीं हमने तो है हमने तो गाड़ियों में टैक्स कम कर दिए हमने वो, वो आम बंदे की जरूरत नहीं है और इससे हम टारगेट कैसे अचीव करेंगे अच्छा जो लग्जरी अशिया जम्पोट होती हैं आशिक साहब जी जी अगर उनको चार गुना उन पर ड्यूटी ज़्यादा बढ़ा दी जाए सो आम आदमी को उसका असर पड़े कोई तो नहीं उसका नहीं पड़े पड़ेगा नहीं पड़ेगा मेजोरिटी हमारा जो मुल तरक् पजीर मुलक है यहाँ पे मेजोरिटी लोग गरीब तबका है है।, है है वो लग्जरी गाड़ियाँ इम्पोर्ट नहीं कर सकता ना वो कोई से कोई ऐसी लग्जरी लाइफ इन्जॉय कर सकता आशिक साहब ब्रेक से जाने से पहले मैं आपकी आप सवाल छोड़ रहा हूँ क्या आपको अपने निज़ाम में जो टैक्स निज़ाम में जो आप इससे मुंसलिक है क्या खराबी नज़र आती है मशीनरी में खराबी नज़र आती है हुकूमत की पॉलिसियों में खराबी नजर आती है आप क्या समझते हैं कहाँ पे कमी है जिसको दूर करने की जरूरत है लेकिन ब्रेक से बात नाजीन छोटा सा ब्रेक हमारे साथ रही हो बैक नाज़रीन जी आशिक साहब हम हमेशा एफपीआर के याकूबती औदे जरान को यह कहते हैं कि जब आप कोई ऐसी पॉलिसीज बनाते हैं बजट बनाने से पहले आप आई कैप के इमरान और जो तो और, और जो हमारे टैक्स बार के जो में नाम के प्रपोजल तो सब जाती है ना जी तो कि प्रपोजल हमारी जो प्रपोजल जाती हैं टेक्स बार के प्लेटफॉर्म से या पाकिस्तान से उसमें हंड्रेड परसेंट ही मानते हो हम चाहते हैं हमें स्टेक होल्डर के पे उस कबीना में ये? को बनाने से रोकेंगे या क्या करेंगे क्या सब हम ये कहते हैं कि एफ बी आर जो प्रपोजल बनाए उसमें जरूर शामिल रखें ऐसी बनाए देखे हमें अम्बेसडर ऑफ टैक्स छोटी सी बात एफ बी आर का काम टैक्स कलेक्ट करना है कि या टैक्स कवानी बनाना है बजट बनाना है उनका हक है उनसे बनवाना चाहिए दी, दी, जी देखिए एफ एफबीआर का काम का 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 है आपका रेवेन्यू को कलेक्शन करना करनाजिस का काम है जो अवी नुमा जो बैठे हैं उनका काम है ना कानून बनाना एफ का काम तो नहीं का है और और बार बार फिर कवानीन को अदालतों में जाके जो हमारे असेसमेंट होती हैं वो ज़ीरो पे चली जाती हैं वो सारे प्रोसेस अरबों रुपए उस पर ज़ाय हो जाता है अदालतों पे पैसा और टैक्स रुका रहता है ये सारी जो प्रोसेस ये हमत अमली है ये सब कहाँ पे ज़ीरो पे सिफर पे आती है अगर इसको बचाना है तो फिर हमें ये बजट है जो वो पार्लियामेंट से बनाना चाहिए फिनांस कमेटी से बनाना चाहिए जी बिल्कुल फ्रांस कमेटी बनाए फ्रांस कमेटी में देखे ना फ्रांस कितने मिनिस्टर चेंज हुए हैं जब से हुकूमत आई है चार मिनिस्टर चेंज हो गए हैं चार एफ बी आर के हिसाब ने तो आपको बजट अच्छा दे दिया यार सत्रह साल बाद आपको करंट अकाउंट खसारा उसने सरप्लस में खड़ा कर दिया वो शहरा जो नमो है वो चार फीसद पे ले गया यार वो तो कमाल उसने कर दिखाया देखिए ये 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 अशोक तरीन साहब ने बजट पेश किया है बजट में सारी मेहनत जो है वो हफीज शेख साहब की है वो तो बस पेश नहीं कर सके वो देखिए बजट तो पहले ही आ गया था तो जून में आ आ तो साहब तो बहुत पीछे चले गए अब तो वो सारी जिंदगी भी कोई उनको <laughs> <नहीं लगता। laughs> लेकिन शौकित तरीन जिसकी परफॉर्मेंस साहब का परफॉर्मेंस बहुत वीक थी लेकिन इस दफा उसने काम करके दिखाया है झूठा था या सच था लेकिन उसने काम करके दिखाया है ना वो तो वो तो चेंज हुए एक माह पहले तो सर रिक्वेस्ट ये इसमें हम पी आर सी करते हैं कि अपनी ऐसी पॉलिसी फ्रेंडली रखें जो आर टैक्स पेयर्स हैं उनको रिलीफ दें क्योंकि आपने सेक्शन टू जीरो थ्री बी लगा दिया टैक्स जितने भी टैक्स पे उसमें होफोरास है मैं समझ जितनी हमारी चैम्बर्स हैं वो उन पर तश्वीश की लाइट दो रही है अभी बिजनेस मैन जो टैक्स दे रहा है वो गिरफ्तार भी हो जाएगा लेकिन ये वाइट कॉलर क्राइम होते हैं इस तरह क्राइम में दो सौ ए और दो सौ तीन बी जिसकी वजह से हमारे ताजर बरदरी सरापा एहत है आप समझते हैं गिरफ्तारी को अमल में आ सकती है गिरफ्तारी करने के लिए पहले उनको जो ऑर्डर पास करेंगे पास करेंगे शो दें उसको प्रॉपर अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हट दें उसके बाद अगर कोई ऐसा रिकवरी है तो वाइट कलर क्राइम में गिरफ्तारी अगर कल को बंदा गिरफ्तार हो जाता है टैक्स -सेट चोर के जो लकब देते हैं लोग जो भी इदारे जो भी वो कहते हैं टैक्स चोर आवाम या ताजर बरदरी बिजनेस कम्युनिटी दो सौ तीन ए दो सौ तीन बी ये, के लिए। ये है कौन है थोड़े से थोड़ा थोड़ा सा थोड़ा सा मैं को पता है है कौन है? देखें बात यह है कि ये जो टैक्स चोर का है ये हमारे माशरती रवैये की कासि करता है ये कल्चर के ये वो कल्चर है जो हमारे मुल्क में है इसमें मैं बिल्कुल एक बात सही आपको बताऊँ हमारी आवाम में या हमारे ताजर तबका भी ये टैक्स नहीं देना चाहता 2003 से लेकर 2008 तक बिल्कुल सेल्फ असेसमेंट का कानून चलता रहा, कोई किसी किस्म की सख्ती नहीं थी टैक्स ना देना बात है चोरी चोरी जिस मैं सर चीज तो वो होती है जो मौजूद हो सर टैक्स चोरी है, है। चोरी आप ना देने को चोरी से बाहर ना निकालें हमारे यहाँ पर देखें, मैं फ्रेंसी बात करूंगा कि हर दुकानदार कमाई करता है लेकिन वो ये महसूस नहीं करता कि ये जो हम कह रहे हैं ना तालीम से तो ये इन चीज़ों के लिए हुकूमत के पास पैसे होते हैं और उसका ज़िम्मेदारी है तो फिर अवाम को भी तो चाहिए ना कि पूरा टैक्स अदा करें पाकिस्तान का देखिए टैक्स टू जी डी पी रेशियो नॉन परसेंट है जो कम अज कम भी कम अज कम भी अगर पाकिस्तान को तरक्की देनी है तो बीस परसेंट पे लेके जानी है आपको बीस नहीं तो अठारह उन्नीस यानी कि ये तो मिनिमम है दुनिया में तरक्की पजीर में ये, ये हमारा कानून हमारा कानून तो कोई भी फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ बिल्कुल नहीं कानून नहीं बनाए जाते हैं वो इस अवाम की बेहतरी के लिए बनाए जाते हैं

एस के मॉड्यूल के बगैर तो कोई इकॉनमी नहीं है आप पाकिस्तान की मिसाल लेते हैं पाकिस्तान की हुमत ने खिते में तेल का रेट और पेट्रोल का रेट पाकिस्तान में पूरे खिते से कम है अब इंडिया में चले जाए अगर पाकिस्तानी रुपयों में देखे दो सौ छह रुपए पर लीटर है और हम एक सौ तेरह रुपए पर बेच रहे हैं ये खाली ये बात नहीं है हमारे मुल्क का सेहत का निज़ाम सरकारी अस्पताल में रोजाना लाखों लोग जाते हैं और फ्री में चेकअप करवा के आते हैं आप दुनिया में मेरे साथ किसी भी मुल्क में चले जाए कहीं पर भी ऐसा निज़ाम नहीं आपको मिलेगा कहाँ पर बैठ खाली मिलते हैं और सर आप जाने जा जा दें मतलब जितने तरक्की याफ्ता मुल्क है ना उनमें जैसे कोई आमदन है ना हर एक ही आमदन के नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस डिडक्शन होती है और उसके एवज उनको वो हेल्थ की फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है हमारे मुल्क में आवाम को भी अपना रवैया बंद टैक्स कल्चर किसको कहते हैं टैक्स कल्चर के हमारे टैक्स कल्चर को फ़रोग दे के अब बच्चे को पहली हमारा एजुकेशन सेक्टर इसमें हेल्प आउट कर सकता है जब हमारी एजुकेशन जब एजु एजुकेशन पढ़ते हैं बच्चों को बताया जाए कि टैक्स देना ज़रूरी है जैसे कल्चर की बात हो रही थी कल्चर को प्रमोट करने के लिए फ़रुग देने के लिए या लोगों को राकब करने के लिए कु नस्लें पर नस्ल चल रहे फिर जाके लोगों को समझ आती है क्या हमारे एजुकेशन सिस्टम में कोई ऐसा निज़ाम है या जिससे कोई लोग ये अब बच्चे जो पढ़ते हैं हम जो मैटर की या तक जाएं उनको पता हो हमने टैक्स अदा करना है शहरी बनना है कोई ऐसा निज़ाम है या होना चाहिए क्या okay. उमर साहब ने जैसे कहा ना कि एजुकेशन सेक्टर इसमें सपोर्ट कर सकता है बड़ी वैलिड बात है जी जी और ये तरीक़ार और जरिया यही होना चाहिए जी जी. और ये सिलेबस पूरा होना चाहिए डिज़ाइन करना चाहिए जो बच्चों को शुरू से रागब करें कि आपने के नाम से एक सब्जेक्ट दिया था छोटा सा एक्चुअली तो तो वो जो सिलेबस हमारा बना हुआ ना सारा वो है याद करने का और रेपिटेशन के ऊपर मुनसर है जी जी। तो अगर इसको प्रैक्टिकल कर लिया जाए तो ये ज्यादा काबिल अमल हो, हो जाएगा ये काबिल अमल नहीं है जिस तरह उन्होंने दिया है बच्चे ने सिर्फ याद करना है या वो उसके लिए एक टॉपिक है अगर इसको काबिल अमल कर लिया जाए और बच्चे को आठवीं और नौवीं या दसवीं क्लास में ही इसके ऊपर तो अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग दी जाए एक एक का बेशक सिलेबस रख दिया जाए एक का ही एक्चुअली ये मैं आपके एक सफ़े की उसकी रिटर्न रख दी जाए जी रिटर्न और मेरा ये जाती रहा है कि उसकी एक सफ़े की रिटर्न हो और उसको जब वो लिया जाए जब वो रिटर्न अपनी जमा कराए तो उसको गवर्नमेंट पाँच सौ रुपया सौ रुपया दो सौ रुपया रिफंड दे उस बच्चे को हाँ। उससे क्या होगा कि कि उसका एक डेवलप होगा कि मैंने हर साल देनी है बहुत बड़ी तो जब वो बारहवीं जमात से निकल के जाएगा तो वो फिर गवर्नमेंट को पैसे देना शुरू कर देगा दे, ये कल्चर डेवलप होगा दो चार दस साल के बाद जाके हमारे पास यहाँ पे इतने लोग होंगे जो करोड़ों में आएंगे जो टैक्स दे सकेंगे फिर हमारा जी टी पी जो है लोग आते उनको अगर ये उमर साहब आप इसे इतफ़ाक़ करते हैं बिल्कुल मैं इतफ़ाक़ करता हूँ जी मैं ये जो इन्होंने इंसेंटिव वाली बात की मुझे खुद याद है कि जो मुझे ट्रैफिक की एजुकेशन मिली ट्रैफिक के रूल्स की वो इसलिए मिली थी कि हमारे स्कूल में ट्रैफिक वाले आते थे और कंपटीशन कराते थे उसमें बच्चों के इनाम दिए जाते थे और मुझे आज तक वो रूल्स याद हैं क्योंकि उसके शौक़ में हम याद करते थे इसी स्कीम है जो प्राइज बॉन्ड की जो निकाली थी ये भी तरबियत बच्चों को दी गई थी ना जो अब ख़त्म कर दी गई हैं वो जो गरीब थे बेचारे वो लेके प्राइज मोड रख लेते थे, थे चलो हमारा स्कीम में कोई नंबर निकल आएगा खैर ये कप फिर पूरा एक इसके ऊपर छः में इस पर हैं। पूरा आप एक प्रोग्राम बेसिकली तो बड़ी अच्छी स्कीम थी हुकूमत को सस्ता तरीन रेवेन्यू जनरेट होता था देखें अगर आप देखें चार परसेंट के ऊपर आपको वो पैसा मिल रहा था मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूं कि रेट ऑफ़ रिटर्न एक किस्म का हम जो कहते हैं कि हुकूमत के जो इनाम थे वो चार परसेंट के इक्वलेंट होते थे ये तो हुकूमत ने अपने पाँव पर खुद ही वो फैटफ आ गया ग्रे लिस्ट आ गई ख़त्म हो जाता है प्रोग्राम का इस तीन साल की जो एक्सरसाइज है टैक्स निज़ाम में ये बजट पेश किया गया हैदाफ़ रखे गए आप समझते हैं हुकूमत की कोई कामयाबी की तरफ सिमत है या अभी तक मैं मैं फ्र, फ्रेंकली स्पीकिंग इस बजट को पिछले दस साल का पंद्रह साल का बेस्ट बजट मानता हूँ इसमें हर शोबे को कोई ना कोई रिलीफ दिया गया हर शोबे के लिए बेहतर है ये बजट आप देखिए आप बात नहीं समझ रहे अगर हम गंदम की मैं साहब दोबारा आपकी तरफ आऊँगा और वो समझूंगा अभी कौन कौन सा सेक्टर है जिसको ज़रूरत थी हुकूमत ने रिलीफ दिया कौन कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसको अभी हुकूमत को देखना चाहिए लेकिन मेरे साथ जो मियाँ साहब हैं इनसे मैं पूछता हूँ एजुकेशन में हजूर ये कोरोना की सूरत में जिस तरह दूसरे टैक्स पेयर को रिलीफ दिए गए उनको कम शराब वो, वो, वो बैंकों से लोन भी मिले दूसरी चीज़ें मिली टैक्सेस में भी कमी हुई जो 16 परसेंट थे पाँच फ़ीसद किए गए क्या एजुकेशन सेक्टर को भी कोई टैक्स ये हुकूमत ने कोई रिलीफ दिया कोरोना की मदम में लेकिन ब्रेक से बाद आप जवाब लेता हूँ नाजर छोटा सा कमर्शियल ब्रेक मेरे साथ रहिएगा वेलकम बैक नाजरीन जी साहब यू भी साहब देखें जब ये कोरोना का सारा मैटर आया ना तो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी तरह तमाम सेक्टर्स को सपोर्ट दिया या बैकअप दिया है जी बड़ी अच्छी जी। काविज थी लेकिन जो इसमें ख़ास करके जो छोटे स्कूल थे ना वो तबके को वो इग्नोर कर दिया गया है या वो इग्नोर हो गया उसमें कुछ गलती इस तबके की ये है कि ये डॉक्यूमेंटेड नहीं है ठीक है ये जो पाँच हज़ार से कम फी लेने वाले स्कूल हैं इसमें नाइन्टी परसेंट वो हैं जिनके पास अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स नहीं है जो बैंक में जाके ये सब ले सकते। एक बच्चा बंदा खोलता है उसको पहले तो वो लेटर लेने पड़ते हैं बिल्डिंग के बड़े उसको भी काफ़ी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है फिर एक बंदा इदारा बनाता है ये जो उसकी रजिस्ट्रेशन वगैरह ना ये तो सिंपल चीजें ये तो सबको करनी पड़ती हैं जी जी लेकिन देखें जब अब छोटे जो इदारे हैं इनके पास कलेक्टरल नहीं है इनके पास पूरा एक वो जिस तरह एक होता है ना बैलेंस शीट हर साल आप बनवाते हैं या अकाउंट्स मैनेजमेंट बना मैनेजमेंट अकाउंट्स बनवाते हैं वो चीज़ें इनके पास नहीं होती हैं तो जब ये कोरोना का मामला आया गवर्नमेंट ने सैलरीज की मद में तमाम तमामों को ये कहा कि आप छः माह तक की सैलरी ले सकते हैं बड़ी अच्छी ऑफर थी लेकिन जो उसे छोटे स्कूल हैं वो उसे मुस्फ़ी नहीं हो सके उसकी दो तीन रीजनस थी एक तो यही थी कि ये डॉक्यूमेंटेड नहीं है फिर इनके पास कलेक्टर नहीं है तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट थी वो ये थी कि बैंक जो है वो छोटे स्कूल को कभी कम्पनसेट नहीं करना चाहता या इनको सपोर्ट नहीं करना चाहता क्योंकि उसको अपने बेनिफिट्स चाहिए होते हैं उसको ऐसे इदारे चाहिए होते हैं जो जिनके मिलियंस उनके पास वहाँ पे बैंक में पड़े हों तो वो उनको भी कंपनसेट करेगा ये जब ये सारा मामला हुआ तो हमने खूशी तौर पर आर्टिकल्स भी इसके ऊपर लिखे और कहा कि जो मेजर हिस्सा है इसका वो बड़े दारों ने ले लिया है तो अगर आप इसको डिफ़ाइन कर देते कि इतना कोटा जो है वो छोटे दारों के लिए है इतना दरमिया दारों के लिए है इतना बड़े दारों के लिए है तो शायद उसमें छोटे स्कूलों को भी हिस्सा मिल जाता तो वो हमें तो इसमें कोई हिस्सा नहीं मिला या हमारी जितनी भी ये स्कूल्स की कम्यूनिटी है वो इससे बार बार कहती रही रिक्वेस्ट करती रही लेकिन कोई फ़ायदा नहीं मिला अब सुनने में आ रहा है कि शायद के की गवर्नमेंट ने अपने वहाँ पर स्कूल्स के लिए कुछ लोन्स वगैरह अनाउंस किए हैं तो अभी वो डॉक्यूमेंटेड नहीं है अभी सामने नहीं आया अभी कोई उसका सबूत नहीं है अगर वो एक प्रेसिडेंट सेट होता है तो बाकी सूबों में भी फिर मुझे उम्मीद है कि कोई मैं सब जितने आपके इंडस्ट्री बन चुकी है प्राइवेट की क्योंकि हमारे जो वेल सेट थोड़ा सा भी वेल सेट है सफेद पोष भी वो भी चाहता है मेरा बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़े तो अच्छी तालीम उसको मिल जाएगी सरकारी स्कूल में वो नहीं भेजना चाहते क्योंकि वहाँ माहौल नहीं मिलता या बच्चे बच्चे की ग्रूमिंग नहीं होती प्राइवेट स्कूल्स में वो कहते हैं तरबियत भी अच्छी हो जाती है ग्रूमिंग भी बच्चे की हो जाती है तो इसके इसको इंडस्ट्रीज का दर्जा नहीं दिया जा सकता हुकूमत की तरफ से ये स्कूल को ऐसा कोई पैटर्न बन जाए वो प्राइवेट और वो सरकारी दोनों को बैलेंस भी बराबर रहे और एजुकेशन भी उस टाइम देखिए जो स्कूल्स हैं वैसे तो ये सर्विसेज में आते हैं सर्विसज़ ये है इनकी सारी लेकिन इसमें इसके पास प्रिवलिज होनी चाहिए इंडस्ट्री वाली इस सर्विसेज सेक्टर को प्रिविलेज वही मिलनी चाहिए सब से से जादा जादा तो सबसे ज़्यादा नुकसान तो इस कोरोना की वजह से एजुकेशन को हाँ क्योंकि देखें ये जो स्कूल्स हैं ये आपकी नेशन में एक बहुत बड़ी इनपुट दे रहे हैं अपनी एजुकेशन की वजह से गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल में एक जो बहुत बड़ा फ़र्क है ना जी वो बेसिकली इनके स्टाफ का है गवर्नमेंट स्कूल में आप बहुत सारे डिसीजन हैं जो आप पहले हरारकी वाइज पहले अपने वहाँ से असिस्टेंट से असिस्टेंट डायरेक्टर से पूछेंगे फिर सी से पूछेंगे वो ऊपर से पूछेगा इस सारे प्रोसेस को करने में कई महीने लग जाते हैं प्राइवेट स्कूल ने आज कोई प्रॉब्लम देखी है उसने आज ही हल कर लेनी है यहाँ का कोई प्रॉब्लम आना है जनरेटर खराब हो गया है लाइट का मसला है पंखे का मसला है वो घंटों में मिनटों में हल हो जाएगा यही मसला अगर गवर्नमेंट स्कूल में आ गया तो वो महीनों पे चला जाएगा अच्छा कोरोना तो में एक बहुत बड़ी कोरोना में ये भी बड़े इशू उठाता था, था प्राइवेट स्कूल बच्चों से फ़ीसें वसूल कर रहे हैं लेकिन टीचरों को फीसें नहीं दे रहे ये ऐसा था असूली तौर पर तो सबको सैलरीज देनी चाहिए थी लेकिन जब ये हुआ ना कोरोना का ये सारा पेंडेमिक आया तो उसमें यह हुआ कि बहुत सारे वालदे ने फीस भी स्कूलों को जमा नहीं कराई उसकी वजह से वो स्कूल बहुत सारे बंद भी हुए देखें आजकल अखबार में अक्सर आता है कि तकरीबन बीस हज़ार स्कूल बंद हो गए थे वो इसलिए बंद हुए कि वो पेरेंट्स ने फ़ीस ही नहीं दे सके और उसी की वजह से स्कूल जो आगे सैलरी भी नहीं दे सके तो ये मामला तो बिल्कुल आप ठीक फरमा रहे हैं ये ना ना सब जिस तरह आपने एक प्रपोजल बड़ी अच्छी पेश की है एजुकेशन के हवाले से टेस्क का निज़ाम क्या क्या तजवीज़ है एक एक और तजवीज़ जो आखिर आहुत तजवीज़ दी है मुझे तो लगता है ये सबसे बेहतरीन तजवीज़ है कि अगर तो आप इसको उसके मुताबिक इंडस्ट्री के मुताबिक प्रवेलिज दे दें ना सिर्फ वही मराहत इनको मिल जाए तो ये आपके सेक्टर में कॉम को पढ़ाने में बच्चों को, को तैयार करने में अहम किरदार अदा कर सकते इससे एजुकेशन और सस्ती हो सकती है कम पैसों में जा सकती है चंद दिन पहले भी हमने एक गुजारिश की थी गवर्नमेंट से कि आप एजुकेशन कार्ड मुतारफ़ करवा दें जैसे आपने सेहत कार्ड मुतारफ़ कराया इसी तरह तालीम सहूलत कार्ड मुतारफ़ करवा दें और वो उन पेरेंट्स को दे दें जो तीन से कम फीस वाले स्कूलों में पढ़ते हैं तो उससे क्या होगा कि उन वालदेन के अभी बोझ बढ़ जाएगा और तलीम का सिलसिला अब और फैलेगा मजीद बेहतर होगा बेहतर होगा अभी हमारे तरीबन बाईस मिलियन बच्चे हैं जो आउट ऑफ स्कूल हैं जो स्कूल ही नहीं जाते हैं तो उनको लाने में बड़ी मदद मिलेगी इससे बिल्कुल उमर वाल खा साहब पहले आपसे मेरी गुफ्तू हो रही थी कौन कौन से ऐसे सेक्टर हैं आपकूमत ने बड़ा अच्छा बजट पेश किया है जिनको हुकूमत ने वाकई बजट में एकोमोडेट किया और कौन से ऐसे सेक्टर हैं जो रह गए हैं जिनको अकोडेट करना चाहिए था सर देखिए टेक्सटाइल जो एक्सपोर्ट और इंटेड सेक्टर है उनको हुकूमत ने काफी बेनिफिट दी थी है ठीक तो है इस मतलब बड़ा एम्बिशियस एक्सपोर्ट का टारगेट रखा है पैंतीस बिलियन डॉलर का ठीक है आज तक पाकिस्तान की इसी साल हाइस्ट हुई है साढ़े पच्चीस बिलियन डॉलर की तो उसके लिए हुकूमत कोशिश कर रही है कि उनको और इंसेंटिव दे रही है उमर साहब उस इस साल में सबसे ज्यादा पैसा बाहर से जो ओवरसीज है हमारे सबसे ज्यादा पैसा उन्होंने पाकिस्तान में भेजा है जिसकी वजह से ये मत की जो ग्रोथ नजर आ रही है लेकिन उनको अगर हुकूमत प्रॉपर जिस वोट का हक देने के लिए कोशिश कर रही है उनको टैक्स में लाने के बेहतरी या उनका जो पैसे बाहर तो उन आसानी पैदा करने के लिए भी कोई अपनानी तो पड़े तो बेना में भी आगे जी उन्होंने तमाम रोशन डिजिटल अकाउंट्स खोल के बाहर मुल्क पाकिस्तानियों को जो मुकीम है ना उनको बड़ा इंसेंटिव दिया बड़ा अट्रैक्ट किया उनको बड़ा अच्छा है कि उन्होंने स्कीम भी दी हुई है कि अगर वो डॉलर अकाउंट्स अपने में पैसे रखेंगे उनको बेस्ट रेट्स इन द वर्ल्ड दे रही है इस वक्त हुकूमत का फोकस बिल्कुल ठीक है कि वो एक्सपैट्रियट्स को बड़ा इम्पोर्टेंस दे रही है और उनसे पैसा ले रही है और ये अब पाकिस्तान के मोसे नहीं है लोग ये जो तीस बिलियन डॉलर हमें भिजवाते हैं ये लोग अगर ना भिजवाएं पाकिस्तान कब का माशी तौर पर दिवालिया हो जाए इसलिए मुझे तो सियासी जमातों सियासत से हट के इन सबको मिलकर इनको वोट का राइट दे, दे देना चाहिए क्यों नहीं उनकी से होनी चाहिए जब वो इतना पैसा भी भिजवा रहे हैं मुल्क की सियासत में भी उनकी से होनी चाहिए अब हम गवर्नर साहब को इम्पोर्ट कर सकते हैं वहाँ से बंदा ला के नहीं, है, नहीं? पाकिस्टान सारे का वो भी है। जब वो पाकिस्तान के लिए बेच सकते हैं पाकिस्तान की तरक्की में रोल प्ले कर सकते हैं तो उनका वोट में भी राइट होना चाहिए तो ये तो एक प्रैक्टिकल बात है लेकिन हुकूमत ने टेक्सटाइल सेक्टर पर बड़ा तवज्जो दी है ये जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के ऊपर बड़ी तवज्जो दी है बड़ा अच्छा पैकेज चल रहा है स्टील मिलों के लिए बड़े अच्छे पैकेजेस चल रहे हैं ये वो सेक्टर थे जिनके इस इनके इनके अंदर ग्रोथ भी नजर आ रही है इंडस्ट्री आप बिल्कुल, बिल्कुल, का इसको दर्ज, दर्जा दिया गया आई टी को भी इसको कर से ये आई टी की सर्विस को जो पॉइंट फाइव परसेंट के टैक्स का रेट दिया गया है जो एक्सपोर्ट के अगेंस्ट आएगा तो इससे अच्छी क्या आप आधा परसेंट टैक्स दे जितना मर्जी एक्सपोर्ट में वो आई टी का काम करे और पैसे कमाए उससे पाकिस्तान को अगर टर्न अराउंड कर सकता है तो आईटी सेक्टर ही तो कर सकता है इसमें 35 टू तो 40 बिलियन डॉलर का कैपेसिटी है हमारे पास पोटेंशियल है हमारे पास हमारे बच्चे आईटी में बहुत अच्छे चलते हैं अगर हम इनको पैटर्नाइज करेंगे तो लाजमी तौर तो पर हमें जो है ना इसमें बेटर रिजल्ट भी मिल जाएंगे बाकी इनकी बात ये ये कि जो एजुकेशन को भी अगर बेहतर करना है तो आप वही पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप शुरू कर दें टैक्स टैक्स को, शुर्ण को नेट में लाने के लिए जो साजगार माहौल है वो किस तरह मुहैया किया जाता है सर साजगार माहौल से आपकी क्या मुराद है हुकूमत मैं मानता हूँ कि हुकूमत को क्या करे हमारे इतने हैं उनके सूद माहौल देखिए खराजात उतने पूरे वो जब हम एन बजट देखे ना पांच हजार आठ सौ उनतीस अरब रुपए एन एफ सी की मद में तीन हजार साढ़े साढ़े तीन हजार रुपए तो एन एफ सी की तेईस अरब की अदायगी आ... में चले गए कुछ दिफा जो वो निकाल देगा सिर्फ एक ही हल है कि इसको आठ हजार से दस हजार अरब के ऊपर ले जाए और इस ये जो फाइनेंस कमीशन का अवार्ड है सब लोग मेरे खिलाफ इसको भी रिव्यू करने की जरूरत है अठारवी तरह को दोबारा तरह को नहीं कह रहा अठारहवीं को देखने की जरूरत है के वो तालीम को नहीं मान रहे वो एजुकेशन को नहीं मान रहे अपना जो बाट है अपने में हैं और उतारने वाकने तो फिर देनी चाहिए बिल्कुल जो सूबे अपने एन एफ सी की सूरत में पैसे लेते हैं वो सब्सिडीज भी अपने बिल्कुल एजुकेशन को बड़ा अच्छा इन्होंने कहा कि एजुकेशन कार्ड बना दें जीजी अगर जीजी कोई मालदान उनमें बच्चे पढ़ाते हैं सरकारी स्कूलों में जो आप इतना पैसा बर्बाद कर रहे हैं और रिजल्ट जीरो गार्बेज इन गार्बेज आउट निकाल रहे हैं उसकी बजाय बनाएं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में स्कूल ये सारे सरकारी स्कूल भी इधर दे दें और जो साथ कार्ड दे दें गरीब लोगों को जो चाहता है वो जाकर कार्ड से पेमेंट कर दे उसकी और सब्सिडी सीधी इसी को कहते हैं डायरेक्ट सब्सिडी मैं हमेशा कहता हूँ ये जो इनडायरेक्ट डायरेक्ट सब्सिडीज है कि हम शुगर मिल मालकान को सब्सिडाइज करते ये सब बेकार बातें हैं हमेशा दुनिया सारी में कामयाब वो कौम है जो डायरेक्ट सब्सिडी दे रही है गरीब आवाम को आटे का भी डायरेक्ट उनके घर पर पहुंचना चाहिए शुगर का भी उसको घर पर एजुकेशन सेहत का भी डायरेक्ट सब्सिडी के थ्रू होना चाहिए ये जो हम इनडायरेक्ट सब्सिडीज दे रहे हैं और हाथी पाल रहे हैं उसका कोई फायदा भी नहीं होता उसका इनपुट भी कोई नहीं मिलता चला था जहांगीर तरी साहब वो भी बंदे थे सब ने देखा लेकिन इस बजट में चीनी को थर्ड शेड्यूल में डाल दिया गया वो कानून खिलावर्जी नहीं थी क्योंकि थर्ड शेड्यूल का मतलब है पैकिंग में चीज होनी चाहिए कीमत ऊपर लिखी होनी चाहिए वो मैनुफैक्चर को तो फायदा है और जो वो परचून बेचने वाला है तीस रुपये की चीनी वे तो कानून के खुला खुला खिलावर्जी नहीं थी नहीं सर देखें और फिर उसको रिलीफ दिया गया चीनी माफिया को नहीं माफिया को रिलीफ नहीं दिया गया देखिए अब बात नहीं असल में सेल्स टैक्स में चीनी की मद में बहुत बड़ी छूट अवेलेबल थी पहले उसका रेट भी कम था हर चीज कम थी लेकिन उसका फायदा सिर्फ मिल मालकान को हो रहा था भी उनको फायदा नहीं गया गया फायदा खतम... नहीं, अब उन्होंने उनका दे फायदा शेड्यूल में करके करके वो पैक दे खत्म कर दिया गया ना पहले वो देते कम थे और फायदा ज्यादा लेते थे अब उनका भी फायदा खत्म कर दिया गया अब ये कहें कि दोनों को सारिफ का और मिल मालकान दोनों का फायदा खत्म कर अच्छा टाइम का ये टारगेट आप समझते हैं जो बजट से पूरे हो जाएंगे कि बार बार मिनी बजट साल में लाना पड़ेगा पाकिस्तान में पेट्रोल सारे खिते से कम है पेट्रोल मिनी बजट में नहीं आता पाकिस्तान एक ऐसी चीज है जो हम बनाते ही है उसकी अगर इंटरनेशनल प्राइस बढ़नी हमने बढ़ानी है नीचे आनी नीचे आ जानी है उसको किसी में महंगाई तो आ जाती है आप बात नहीं समझे अभी आटे की प्राइस बढ़ी है उसकी जा क्या है हमने 40 परसेंट गंदम की जो स्पोर्ट प्राइस है बढ़ाई है 1200 से 2000 कर दिया है आप सत्तावन परसेंट आबादी जो दी है उसको बेनिफिट दिया है हमने तो उसके नतीजे में आटा तो महंगा होगा आप इस चीज को सही तनासब में देखने की जरूरत है एक बंदा करोड़ों रुपए टैक्स भी दे रहा है वो पचास लाख की गाड़ी में बैठ रहा है वो पेट्रोल वो भी एक सौ तेरह रुपये का लीटर डलवा रहा है और एक बंदा जो पाँच हज़ार महीने में कमाता है या दस हज़ार वो भी पेट्रोल उतना का डलवा रहा है बिजली जो इस्तेमाल कर रहा है वो अमीर है गरीब है वो भी गरीब भी उसने उसको पे कर रहा है यूनिट के हिसाब से अमीर भी वही कर रहा है फिर वो जो बैलेंस है किस तरह देखिए ना बात नहीं चीज़ें अब बात का जवाब है इसका जी जी ये ऐसे नहीं है जो हम लाइफ लाइन कंज्यूमर्स कहते हैं बिजली में तीन सौ यूनिट वाले उनके ऊपर जो रेट है ना वो इंतहाई कम है वो उनका रेट आठ रुपए यूनिट से भी नीचे चला जाता है जो बाकी ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तीन सौ से ऊपर करते हैं उनका रेट फ़र्क है ये ना कहूमत उनका ख्याल नहीं रखती लाइफ लाइन कंज्यूमर्स का हमेशा हज़ार यूनिट फ्री हैं हजूर जिनको वो वापडा में उनको तीन सौ हज़ार फ्री हैं कितने जितने भी यूनिट हैं वासा में जो मुलाजम है उसको वासा का पानी का बिल फ्री है ये जितनी भी सहूलतें दी जा रही हैं सबको वो सब पे नहीं डिवाइड हो सकती नहीं, जो ये जो टारगेट भी पूरे है नहीं देखें ये आपकी बात से मैं तो एग्री करता हूँ कि ये जो सरकारी अफसरान को या उन कहीं दूर चले गए आखिरी तजवीज़ एक मिनट से मिनट में कोई तजवीज़ दे रहा सिर्फ तजवीज़ ये है कि हुकूमत मतलब ने टैक्स गुजारों को तलाश करे जो मुल्क के चप्पे-चप्पे में हैं और पुराने टैक्स गुजारों को रिलीफ दे। आशिक साहब जो तो टाइम कम है टारगेट को पूरा करने के लिए नए टैक्स पेयर वाकई लाने चाहिए कि मौजूदा कोई इस साल में टारगेट नहीं नए टैक्स गुजार इस बहुत वक्त की ज़रूरत है देखिए 20 करोड़ की आबादी में अगर हमारी 3 मिलियन रिटर्स है तो समझ तो ये रेशो बहुत कम है हमें चाहिए कि हमें नए टैक्स गुजारों को लेकर आए और जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर पे उनके साथ फ्रेंडली पॉलिसीज रखें ताकि रेवेन्यू टारगेट अचीव हो हमारे मुल्क के अंदर जो हमारा जी डी टू टैक्स टू रेशो है वो इंक्रीज़ हो वो तो डबल डिजिट भी आनी चाहिए साहब आपको बहुत शुक्रिया उमर साहब छोटा सा एक छोटा मसला रह गया मेरा छोटा सा प्रोग्राम ख़त्म हो गया लेकिन जो इनकम टैक्स गोशवारा इस दफा आ चुका है तीस सितम्बर के बाद आप हैं को तारीख आगे जाएगी देखिए मुझे लग रहा है कि मेंबर ऑपरेशन थे उनकी डायरेक्शन पिछले साल भी वो के बड़े वाजे थी लोगों ने अच्छा किया गोशवारा दे दिया लोगों को भी चाहिए मेरा सब आग को बहुत शुक्रिया मेरा सब आगो बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया नाजरीन आज हमारे एक्सपर्ट के आपने गुफ्तु सुनी तालीमी निज़ाम में भी बेहतरी लाने के साथ साथ टैक्स कल्चर को भी फ़रोग देने के लिए तालीमी सेक्टर में ही कोई ऐसा नसाब लाया जाए जिससे जो स्टूडेंट हैं तलबा भी हैं वो टैक्स को समझ सकें और टैक्स कल्चर को समझ सकें और आने वाली नस्लें हमारी हैं जो वो टैक्स नज़ाम में बेहतरी लाने को ख़ुद ब खुद, खुद आगाह भी हों टैक्स देने के हवाले से भी और टैक्स लेने के हवाले से भी दूसरा जितना भी टैक्स पेयर को आप सहूलियात फराम करेंगे टैक्स पेयर आसानी से अपना टैक्स अदा करता रहेगा और मौजूदा टैक्स पेयर को छेड़ने के बजाय नए टैक्स पेयर को लाने के लिए कवानीन पर अमल दरामद होना चाहिए ताकि जो टैक्स देने वाला है वो भी खुश हो ना देने वाला वो टैक्स नेट में आए अगले तक के लिए अफजल ईबी को इजाजत दीजिए अल्लाह हाफ